सभी गवाह हैं कि पहले यही काम ये लेप वाले किया करते थे, अब बीवी ने उनके हथियार पर कब्जा कर लिया। सिर्फ कब्जा ही नहीं किया है, उसे और धार दे दी है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भी चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, ममता दीदी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी राजनीति पश्चिम बंगाल को गरीब करने पर ही टिकी हुई है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनका मुकाबला एक चौकीदार से है। आगे बढ़ो, बहुत ईमानदारी से, बहुत परिश्रम से ये चौकीदार पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम कर रहा है। साथियों, इन लोगों की तमाम अड़चनों के बावजूद गांव गांव में गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम हम तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों को अपना पक्का घर दिया जाए, गांव गांव में शौचालय बने, बिजली कनेक्शन दिए जाए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाए। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के संसाधनों और सम्मान के प्रति आपका ये चौकीदार पूरी तरह से संवेदनशील है। यहां के चाय बागानों में काम करने वाले साथियों की जरूरतों का मुझे पूरा एहसास है। भाजपा सरकार की नीतियों से उन्हें काफी लाभ भी मिला है। ये और हो सकता था अगर दीदी का स्पेल बेकार बीच में ना आता। यहां के आदिवासी बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार के नए अवसर, पाइन एप्पल पैदा करने वाले किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मुझे आपकी हर आवश्यकता का पता है। बस मैं ये स्पीड ब्रेकर हटने का इंतजार कर रहा हूं। यहां पर तेज गति से तब तक विकास मुश्किल है जब तक कानून व्यवस्था बदहाल है। इसके अलावा कनेक्टिविटी भी टूरिज्म और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एशियन वेस्टर्न हाईवे हो या फिर रेलवे का काम हो, अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच भी जलपाईगुड़ी में स्थापित की गई है। आपका ये चाय वाला यहां के चाय बागानों के हित के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है।